चलिएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आज हमारी क्या है, थर्ड क्लास है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आपकी ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, SMPS। ठीक है, SMPS। तो SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, ये करता क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो SMPS है हमारा, ये करता क्या है, इसका काम क्या है? तो दोस्तों ये क्या करता है, हमारा ऑल्टरनेट करंट को चेंज करके एसी, यानी क्या होता है, हमारा ऑल्टरनेट को करंट को चेंज कर करके क्या कर देता है, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, डीसी में चेंज कर देता है, किसमें, डायरेक्ट करंट में। ठीक है, ऑल्टरनेट करंट का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ऑल्टरनेट होता है इस तरीके से, मतलब कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, और डायरेक्ट करंट क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई जा रही है सीधी सीधी। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट सप्लाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हुई बात कि भाई ये डायरेक्ट देता है, और ये क्या, और ये SMPS होता कहां पर है ना, ये चीज लगी कहां होती है? देखो बेटा, एक आपका क्या है, एक कैबिनेट होगा, क्या होगा, कैबिनेट, क्या है ये आपका, कैबिनेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक तो आपकी मदरबोर्ड लगी होगी, क्या लगी होगी, मदरबोर्ड। उसके बाद क्या लगा होगा आपका, हार्ड डिस्क, बिल्कुल सही है ना, एक मदरबोर्ड होगी, एक हार्ड डिस्क होगी, और आपका तीसरा क्या होगा, आपका SMPS, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट के अंदर ही लगा होता है क्या, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और क्या, SMPS। मदरबोर्ड की हमने चर्चा कर चुके हैं, हार्ड डिस्क भी पढ़ चुके हैं, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, SMPS। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। तो सबसे पहली बात तो क्या आती है कि ये पावर सप्लाई देता किसको है ना, ये जो आपका SMPS है ये किसको पावर सप्लाई देता है? तो जब ऐसा सवाल आता है तो ये सबसे पहली चीज आती है आपकी क्या, मदरबोर्ड। ये आपका मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देगा, और उसके अलावा फर्स्ट आपका क्या हो गया, मदरबोर्ड, उसके अलावा किसको सप्लाई, किसको सप्लाई देगा, ये पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस, देखो मदरबोर्ड आपको पता है, लेकिन अगर पेरिफेरल डिवाइसेस की मैं बात करता हूं, तो ये दोस्तों वो चीजें होती हैं। देखो एक आपका इंटर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, और एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया आपका, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये यहां पर आउटपुट हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये तीनों तरह के जो हमारे डिवाइस हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कहाँ करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, कौन से हमारे इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट होता है, कौन से स्टोरेज होते हैं। ठीक है, देखो इनपुट वो होता है जो आपके सिस्टम में देता है ना, इनपुट देता है जो आपके सिस्टम को, और आउटपुट होता है जो आप बाहर निकालते हैं, है ना, जैसे कि प्रिंटर है, वो आपका क्या करता है, प्रिंट देता है, आप कमांड देते हो, वो प्रिंट आपको बाहर निकाल के देता है ना, तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, वो स्टोरेज आपका क्या होता है, पेन ड्राइव होता है, सीडी डीवीडी वगैरह, ये आपका क्या हो जाता है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस इसे कहते हैं। ठीक है, तो जब इस चीज की बात चल रही थी, तो अब इसी में आपका क्या आ जाता है भाई, यूपीएस, यूपीएस। ठीक है, मैं आपका पूरा बोर्ड रफ कर देता हूँ, फिर हम यूपीएस के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब यूपीएस की बात होती है, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, UPS stands for uninterrupted uninterrupted power supply, क्या, power supply। देखो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारी जो power supply आ रही है ना,
इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ही ये आपको समझ आ रहा है, सीधा सीधा स्पष्ट मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यूपीएस में आपको देखो आपके उसमें होता है एक बॉक्स, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, है ना, कि आपको एक बॉक्स तरह का बॉक्स की शेप में होता है क्या आपका यूपीएस। तो ये क्या करता है, जैसे कि आपकी बिजली चली जाती है ना, लाइट चली गई, आपकी बिजली चली गई, तो ये क्या करता है, आपका डाटा लॉस्ट ना हो, है ना। बिजली जाती है क्या होता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो ये उसके लिए होता है ना। बिजली चली गई, डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो आपके लिए क्या करेगा ये, इसमें थोड़ा सा बैकअप बचा होता है, और ये उसके बाद भी क्या आपके सिस्टम को चालू रखेगा 15 से 30 मिनट करीब, है ना। इसकी ज्यादा नहीं होती कि घंटों घंटों तक पूरे पूरे दिन चला लो, ऐसा नहीं होता, ये आधा घंटा एक घंटा, है ना, ऐसे ही इसका क्या होता है, बैकअप होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो पहले क्या होता था, आपका सिंपल सी चीज थी, क्या होता था, बिजली आती थी, कभी बिजली तेज आ गई, कभी क्या हो गई, धीरे आ गई, है ना, कभी बिजली तेज आती थी, कभी धीरे आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, आपकी क्या है, आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें थी वो काफी चीजें क्या हो जाती थी, जल जाती थी सॉकेट की वजह से, क्योंकि बिजली कम ज्यादा होती थी, है ना, फ्लक्चुएट होती थी। इसी वजह से हम क्या लाए थे, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज लाए थे जो क्या करे, मेंटेन करे, है ना, बिजली कभी कम आती कभी ज्यादा आती है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करती थी, उनको एक बैलेंस बनाकर रखती थी, ज्यादा आती थी तो कम कर देती थी, और कम आती थी तो थोड़ा ज्यादा कर देती थी, ठीक है। मतलब जितनी हमें पावर सप्लाई चाहिए उसके हिसाब से वोल्टेज उसे एडजस्ट कर लेती। ऐसे ही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यूपीएस आपका क्या है, देखो आपकी लाइट चली गई, है ना, तो ये क्या है, आईसी चिप को बचाने के लिए, ठीक है। जैसे ही लाइट जाती है तो कई केसेस में क्या होता है, आपके आईसी चिप क्या है, बर्बाद हो जाती है ना, खराब हो जाती है, फूक जाती है, तो उसी को बचाने के लिए क्या होता है, आपको यूपीएस होता है, क्या होता है, यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। ये आपका 15 से 30 मिनट या फिर हम एक घंटा भी कह सकते हैं, ये पावर सप्लाई देगा जब लाइट चली जाएगी, और उसके अलावा क्या करता है, ये आपका आईसी चिप को भी बचाता है, आपकी जो आईसी चिप है उनको भी क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। इसके मुख्य फंक्शन क्या है, है ना, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसके, यूपीएस के प्राइमरी फंक्शन क्या है ना, मुख्य, तो उसमें क्या क्या जाएगा आपका, सबसे पहली चीज है क्या आपका, सर्ज प्रोटेक्शन, क्या है आपका, सर्ज प्रोटेक्शन। तो सर्ज प्रोटेक्शन में क्या आएगा आपका, सर्ज प्रोटेक्शन में वो है कि बिजली का जो उतार चढ़ाव है ना उसको मेंटेन करेगा, जो मैंने आपकी अभी आपको बताया था, जो आपकी काम वोल्टेज करती थी वो काम करेगा यहाँ पर, है ना, उतार चढ़ाव को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है क्या, पावर बैकअप, पावर बैकअप, जो मैंने आपको बताया कि 15 से 30 मिनट या फिर हम कह सकते हैं एक घंटे तक, उससे ज्यादा नहीं देता ये कोई भी यूपीएस, ठीक है। तो आप लोगों ने यूपीएस भी पढ़ लिया, है ना, अब क्या पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करेंगे, आईसी चिप को, ये जो है ना आईसी चिप, आईसी चिप को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो आपकी ना बहुत तरह की चिप होती है ना, क्या है आपकी, कौन कौन सी चिप होती है, देखो रैम भी एक चिप है आपकी, है ना, रोम भी एक चिप है ना, सीपीयू भी आपकी एक चिप है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चिप होती है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, आईसी चिप की बात कर रहे हैं हम, तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, हमारी आईसी चिप है, ठीक है, रैम रोम या सीपीयू की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आईसी के जब ये चिप बनी है ना, तो इसको चिप को बनाने का एक सबसे पहले क्या आता है भाई, कुछ भी चीज बनती है तो उसके उससे सबसे पहले किसी के दिमाग में, किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया होता है ना। तो ये सबसे पहले दिमाग में आइडिया आया किसके उसमें, ठीक है, आया किसमें आया, 1957 में आया, और किसके दिमाग में आया ये, जेएस किल में, जेएस किल में 1957 में इन्होंने क्या किया, आइडिया को क्या करा, प्रपोज्ड किया, क्या किया, आइडिया प्रपोज्ड, ठीक है। यानी कि इनको क्या आया, आइडिया आया क्या 1957 में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर में बढ़े 1958 आया, तो जब क्या करा, जेएस किलबी ने
जेएस किल्बी ने, देखो आइडिया कब आया इनको, 1957 में, लेकिन जब 1958 आए तो इन्होंने क्या करा, सेरेमिक मटेरियल की, सेरेमिक मटेरियल की एक कांच जैसी धातु बनाई। इन्होंने क्या किया, सेरेमिक मटेरियल की एक कांच जैसी धातु बनाई जो कि आपकी क्या थी, आईसी चिप, जो कि क्या थी आपकी आईसी चिप, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद 1959 में जब आए हम आए, ठीक है, एक साल और आगे बढ़े, 1959 में जब हम आए तो जेएस किल्बी की जगह पर इनके अलावा एक और रहे हैं जिनका नाम क्या है हमारा, रॉबर्ट नॉरिस, रॉबर्ट नॉरिस। तो भाई इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारी आईसी जो चिप है ना, ये आईसी चिप बनती किस चीज से है, किस चीज से बनती है आपकी आईसी चिप, सिलिकॉन से, सिलिकॉन से बनती है आपकी आईसी चिप, ठीक है। और अगर सिलिकॉन आपके पास मौजूद नहीं हो, है ना, अगर आपके पास सिलिकॉन मौजूद नहीं हो तो आप किस चीज से बना सकते हैं, और ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम आईसी चिप को बना सकते हैं, तो वो है आपका दोस्तों क्या है, जर्मेनियम, ठीक है। अगर आपके पास सिलिकॉन मौजूद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जर्मेनियम से क्या कर सकते हैं, आईसी चिप को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको आईसी चिप को चलाए रखने के लिए, इस आईसी चिप को चलाए रखने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितनी चाहिए, तो वो चाहिए 5 वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम 5 वोल्टेज चाहिए, ठीक है, करंट सप्लाई मैक्सिमम जो क्या आईसी चिप को चाहिए, ठीक है। तो अब उसके अलावा ये आईसी चिप होती कैसी है, आईसी चिप कैसी होती है आपकी, सेमीकंडक्टर इन नेचर, सेमीकंडक्टर इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, सेमीकंडक्टर इन नेचर होती है, ठीक है। तो आपने आईसी चिप के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं इनके टाइप्स पे, है ना, कब की सबसे पहली कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई आईसी चिप। तो दोस्तों जब मैं टाइप्स की बात करता हूं, तो जब हमारी जो सबसे पहली जो आईसी चिप बनी है वो आई है हमारी एसएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये आपकी दोस्तों सबसे पहली आईसी चिप थी, फर्स्ट आईसी चिप, ठीक है। सबसे पहली आईसी चिप कौन सी थी आपकी, एसएसआई, ठीक है, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो आपकी आई, क्या आई, एमएसआई, एमएसआई स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एमएसआई के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा क्या आता है, एलएसआई, ठीक है भाई, स्मॉल मीडियम और फिर क्या आ गया आपका, लार्ज, क्या आ गया, लार्ज, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। जब ये तीनों हो गई उसके बाद आई आपकी अब क्या, वीएलएसआई, वीएलएसआई। तो दोस्तों वीएलएसआई में क्या हो गया, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो देखिएगा यहां पर क्या है, वीएलएसआई वेरी लार्ज क्या है, स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट बचता है, वो हमारा क्या है, यूएलएसआई, यूएलएसआई क्या है आपका, अल्ट्रा लार्ज, यहां पर क्या है, अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एसएसआई से क्या हुआ, स्मॉल, एम से मीडियम, एल से लार्ज, वीएल मतलब कि वेरी लार्ज, यूएल से अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये क्या थे आपके टाइप्स थे, कौन से आईसी चिप के। तो आईसी चिप कौन कौन सी होती है, देखो एक तो सीपीयू की आपके आईसी चिप है, उसके अलावा रैम रोम। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट, ठीक है। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं हम, देखो वी एल एस आई सी, वी एल एस आई सी, तो ये क्या है आपका फुल फॉर्म क्या है इसकी, वेरी लार्ज, जो अभी आपको बताया था मैंने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जब बात थी VLSI, सिर्फ VLSI चिप की बात थी, तो जब फुल फॉर्म क्या थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन जब आगे C जुड़ गया तो वो इंटीग्रेशन किस में बदल गया, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, CPU, VLSIC को हम क्या बोल सकते हैं, CPU। उसके अलावा और क्या क्या नाम है इसके, और क्या क्या बोलते हैं हम इसको, तो दोस्तों हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, ठीक है। और उसके अलावा हम और क्या बोलते हैं, लॉजिक चिप, और हम बोलते हैं इसको ब्रेन भी बोलते हैं, किसका, कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि मुख्य भाग, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है किसको, सीपीयू को, जो आपकी क्या है, चिप है, ठीक है। तो अब आपके सामने एक सवाल आता है, देखो क्या सारी चिप, क्या आपका होल सीपीयू क्या है, होल सीपीयू इज चिप, ठीक है। कि और एक और स्टेटमेंट है क्या, ऑल चिप इज सीपीयू, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, ये आपका सीरो की तरह, जैसा आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, तो सीरो की तरह एक क्वेश्चन है आपका, देखो ऑल सीपीयू इज चिप, तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है, सारे के सारी सीपीयू क्या है, चिप होती है, क्योंकि सीपीयू क्या है, चिप ही तो है। उसके अलावा ऑल चिप इज सीपीयू, भाई सारी चिप हमारी सीपीयू थोड़ी ना होती है, भाई रैम है, रोम है, ये भी तो हमारी चिप है, लेकिन क्या है, सीपीयू है, नहीं है, ठीक है। तो ये होगी, ये बात हो गई। उसके अलावा देखो आपके एक सीपीयू चिप होती है ना, एक सीपीयू चिप होती है, वो तीन, उसके अंदर क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ALU, सेकंड क्या होता है हमारा, फर्स्ट आपका ALU, सेकंड आपका क्या होता है, CU, ठीक है, क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, और थर्ड हमारा क्या होता है, M, ठीक है। तो एक एक करके इनको जान लेते हैं, ठीक है, ALU क्या होता है, CU क्या होता है, और MU क्या होता है। देखो ALU क्या होता है आपका, ALU सबसे पहली चीज आपकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो आपको जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, तो इसमें क्या होंगे, अरिथमेटिक फंक्शन होंगे, जैसे कि आपका प्लस, प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, और उसके अलावा क्या, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, ये सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शन कहां पर होंगे, आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यही आपके क्या कराएगी, अरिथमेटिक फंक्शन कराएगी, ऑपरेशन कराएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CU, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी क्या, कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका क्या करता है, सारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको क्या बोलते हैं, मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है, ये पूरे के पूरे सीपीयू के फंक्शन को क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आपका क्या आता है, एमयू, यानी क्या है आपकी, मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट, ये, और ये मेमोरी यूनिट क्या होती है आपकी, सेट ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, मतलब कि बल्क में होते हैं, इसलिए बोला गया सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो आपने ये सीपीयू भी जान लिया, तो अब क्या जानते हैं हम, सेट ऑफ रजिस्टर्स, एक नई टर्म आपके सामने निकल कर आई, क्या, रजिस्टर्स।
तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, रजिस्टर को भी जान लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। जब हम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो रजिस्टर्स कितने प्रकार के हैं आपके, 7 प्रकार के हैं। कितने हैं टोटल, 7 टाइप्स के हैं क्या आपके रजिस्टर। और ये आपके दिए किसने हैं, ये किसने दिए हैं, ये आपके दिए हैं जॉन वैन न्यूमन, जॉन वैन न्यूमन, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है आपका, सेट ऑफ रजिस्टर्स, मतलब कि रजिस्टर्स दिए हैं जो 7 प्रकार के हैं। तो इसके अलावा रजिस्टर्स के अंदर क्या है, MBR, और हम क्या कह सकते हैं, MDR, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी बफर, क्या, मेमोरी बफर। बी है तो मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, और अगर डी है तो मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। एमबीआर है तो मेमोरी बफर रजिस्टर, और एमडीआर है तो मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, दोनों तरह से बोला जाता है इसको। इसके बाद एक चीज और आती है, क्या, एमएआर और एआर। तो जब MAR और AR आता है तो उसमें क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, और AR की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रजिस्टर, क्या है, एड्रेस रजिस्टर। इसके अलावा एक और चीज होती है, क्या, आपकी DR। तो DR क्या है आपका, डाटा रजिस्टर, ठीक है, आपका डाटा रजिस्टर, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो 7 टाइप्स के होते हैं, तो इन 7 टाइप्स को भी तो जानना है हमें कि कौन कौन सी हैं 7 टाइप्स, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपके रजिस्टर्स होते हैं मेनली क्या, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट और लॉजिक हम कह सकते हैं सर्किट, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट, नोर गेट, ठीक है, नैंड गेट, ठीक है, एंड, नोर, नैंड, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या है, ओर है, ओर गेट। उसके अलावा आता है हमारा नोट गेट, ठीक है, ये आपके क्या है, 5 हो गए। उसके बाद आता है हमारा क्या, छठा, एक्स और गेट, ठीक है, और 7 है क्या, एक्स नोर गेट, ठीक है। ये आपके 7 गेट हैं, क्या, जिनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है, 7 तरीके के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे गेट, उसके बाद क्या है, जब ये क्या है, सिंगल बिट डाटा, ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, डाटा भेजते हैं, जिसको हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, जिसमें क्या है, एक सिंगल बिट डाटा, यानी कि या तो 0 या तो 1, ठीक है, एक बिट डाटा, या तो 0 या तो 1, एक बिट क्या होता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। बाइनरी, अभी जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या होता है बिट, ठीक है, या तो 0 या तो 1। तो इसमें क्या है, एक सिंगल बिट डाटा को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। उसके बाद यहां पर क्या आ गया, रजिस्टर, इसमें सिंगल बिट डाटा स्टोर होता है। उसके बाद क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं, पीसी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद हमारा क्या आता है, आईसीओ रजिस्टर, आईसीओ रजिस्टर के बाद आएगा हमारा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के बाद आएगा आपका क्या, आईआर, जो क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और इन सब के बाद एक लास्ट आता है आपका क्या,
आईडी, वो क्या है, एक लास्ट आएगा आपका क्या, आईडी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। ये आपके सात तरीके के क्या हो गए, रजिस्टर्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं लॉजिक गेट्स हो गए। उसके बाद ये सारी बातें आपके सामने क्या हुई, डिस्कस कर लिया हमने। तो आपका पूरा का पूरा क्या है, देखो सबसे पहले हमने मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया, आईसी चिप के बारे में डिस्कस कर लिया, आपकी हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस कर लिया, और आज हमने एसएमपीएस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो आपका सारा का सारा क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है आपका टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की यूनिट पढ़ेंगे, और उसमें क्या है आपका मेमोरी यूनिट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।